पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो चुका है और आज से अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सको। अगर पिछले एक्सरसाइज का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो और आपको देखना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियोज को देख सकते हो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा, आप मेरे को ईमेल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखा है, ईमेल ट्यूटोरियल का कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखकर ईमेल करना सीख सकते हो। और जब आप ईमेल करना सीख जाओ तो जो डाउट आपको पूछना हो वो डाउट आप अपने एक पेपर में लिख लो, साथ में ये जरूर मेंशन कर दो कि वो डाउट कौन से क्लास का है और कौन से चैप्टर का है। उसके बाद उस पेपर का फोटो खींच के आप मेरे को ईमेल कर दो, तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। और जरूरत पड़ी तो मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा जिसमें आप मेरे को पर्सनली वीडियो कॉल करके मैसेज करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में अपन देख लेते हैं, चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पिछले एक्सरसाइज में आपने फैक्टराइजेशन के कुछ मेथड्स देखे थे जिनको अप्लाई करके आप किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हो। तो उसी सीरीज में इस एक्सरसाइज में आपको कुछ और मेथड्स को देखना है, कुछ और मेथड सीखना है जिसको लेकर आप उसी तरह से फैक्टराइज कर सको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो उन मेथड्स में हम लोग दो मेथड तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, एक था कॉमन मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड, और दूसरा था रीग्रुपिंग टर्म्स वाला मेथड। अब इस एक्सरसाइज में जो आपको पढ़ना है उसमें सबसे जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजिंग यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को यूज करके कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है। देखो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे, चाहे वो पिछले साल का हो या इस साल क्लास 8th का हो, आपने कुछ आइडेंटिटीज को पढ़ा था, ठीक है। वो आइडेंटिटीज क्या थे एक बार हम लोग यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं। एक आइडेंटिटी था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी था a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज आप अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हो, इसको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हो कि इस फॉर्म में अगर कोई चीज दिया हो तो इस फॉर्मूला में पुट करके आप आंसर ला सकते हो। अब यहां पर क्या होगा, आपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इस तरह के फॉर्मेट में आपको दिया होगा, ठीक है, उसको आपको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि RHS आपको दिया होगा और LHS में आपको कन्वर्ट करना है। लेकिन ये आपको ऑब्जर्व करके करना पड़ेगा, आपको अपना लॉजिक लगाना है, आपको थोड़ा उसमें ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वहां पर कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग देखो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सबका। सबसे पहला एग्जाम्पल अपन देखते हैं, ये एग्जाम्पल मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक से ही बता रहा हूं। ये समझ लो अगर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस 16, ठीक। अब यहां पर आपको ऑब्जर्व करना है जो पहला वाला नंबर है और जो लास्ट वाला है, ठीक है। यहां पर देखो तीन टर्म्स आपको दिख रहे हैं, तो ये जो पहला वाला है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ऑलरेडी स्क्वायर में, और ये जो 16 है लास्ट में ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है, ठीक है। स्क्वायर के चैप्टर में अपन ये सब चीज पढ़ चुके हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में, ठीक है। तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब यहां पर ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं क्योंकि इन सब में प्लस है, हर जगह प्लस है। तो कैसे यूज होगा, इसको पहले हम लोग को स्प्लिट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर देखो ये ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं प्लस। यहां पर देखो हमारे पास ए और बी है, ठीक है, यहां पर एक्स और 16 है, तो यहां पर इसको कैसे करेंगे, ये देखो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर a का वैल्यू हो जाएगा x और b का वैल्यू यहां पर 16 नहीं होगा, 16 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा आपको, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है, तो b का वैल्यू आएगा 4, b का वैल्यू यहां पर आप 4 लिखोगे, ठीक है।
आप देखो यहां पर वैल्यू पुट करते जाएंगे, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए का वैल्यू एक्स इंटू बी का वैल्यू आ गया फोर। यहां बी का वैल्यू फोर है, टू ए बी लिखा हुआ है तो टू का टू, ए का वैल्यू एक्स, बी का वैल्यू फोर प्लस 16 यानी कि फोर का स्क्वायर। अब इसको अगर अच्छे से लिखा जाए तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू फोर, टू इंटू फोर हो गया एट एक्स, ठीक है इसी फॉर्म में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहां आ गया एट एक्स प्लस 16, ठीक है ये इसी फॉर्म में आ रहा है। तो ये जो चीज है आप देखो, ये जो चीज है ये इस फॉर्मेट में आ चुका है, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयर फोर इसका आंसर देखो ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है सॉरी ए का स्क्वायर नहीं है, ए प्लस बी का स्क्वायर, बी के जगह यहां पर आएगा फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि जो पहला वाला नंबर है वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसके बाद देखना है जो लास्ट वाला डिजिट दिया हुआ लास्ट नंबर वो भी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है फिर आपको चेक करना है बीच में कहीं माइनस साइन तो नहीं है, अगर माइनस साइन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर प्लस का साइन है तो ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा, ठीक है। तो ये तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसका एक एग्जाम्पल देख लिया, हम लोग देखते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर ये चीज कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में देगा, आपको उसको इसमें कन्वर्ट करना है, जैसे यहां पर आपको एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिया हुआ था और उसको हमने इस फॉर्म में यानी कि ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, टेक्स्ट बुक से ही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये दिया हुआ है फोर वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अब देखो यहां पर भी आपको ऑब्जर्व करना है, जो पहला आपको टर्म दिया हुआ है ये स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि y का भी स्क्वायर है और 4 का हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और जो लास्ट वाला आपको टर्म दिया है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 आता है या 3 इंटू 3 करने पर 9 आता है। तो यहां पर a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू क्या आएगा, देखो 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है, और वाई स्क्वायर यानी कि वाई, अगर इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 4y स्क्वायर क्योंकि 2 2 4 और वाई का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर, ठीक है। तो a का वैल्यू 2y आएगा, ठीक। वैसे ही b का वैल्यू क्या आएगा, अब b का वैल्यू जो रहता है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है 9 है, 9 को कैसे लिखते हैं 3 × 3 = 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, तो b का वैल्यू आ गया 3, 3 का स्क्वायर नहीं लेना है 3 लेना है, ठीक है। अब बीच में देखो यहां पर माइनस साइन है यहां पर प्लस साइन है, तो ये हम लोग के बिल्कुल आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, यहां पर माइनस साइन है यहां पर प्लस साइन है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब ये जो 12 है ये 12 कैसे आएगा, 12y कैसे आएगा, ए का वैल्यू कितना है 2y, बी का वैल्यू 3। इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं देखो ए का स्क्वायर यानी कि 2y का होल स्क्वायर माइनस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को पहले देखो इसी फॉर्मूला से मैच करो, पहले आएगा 2 इंटू ए का वैल्यू 2y इंटू बी का वैल्यू 3, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12y ही आएगा प्लस यहां पर बी का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ये वाला जो एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में आ चुका है। अब इस फॉर्म में आने के बाद में हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो चीज है इसका फैक्टराइजेशन करने पर या फैक्टराइज करने पर ये आएगा, क्या आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए का वैल्यू यहां पर 2y है माइनस बी का वैल्यू यहां पर 3 है इसका होल स्क्वायर, यानी कि इसका फैक्टराइज करने पर ये वाला आंसर आएगा। तो इसी तरीके से हम लोग को ये पहले ऑब्जर्व करना है और आइडेंटिफाई करना है कि ये जो भी एक्सप्रेशन दिया है वो इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में है, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूं और इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये दोनों का एग्जाम्पल तो हम देख चुके हैं, तीसरा जो आइडेंटिटी है इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो तीसरा वाला जो है ये जो आइडेंटिटी है इसका एक्सप्रेशन किस फॉर्म में दिया होगा, आपको क्वेश्चन में सपोज दे दिया है 49p² माइनस 36। अब देखो 36 तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है लेकिन 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम लोग स्क्वायर फॉर्म में बना सकते हैं, अगर 36 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है, यानी कि 6 × 6 = 36 होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 7² = 49, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7
पी का स्क्वायर माइनस सिक्स का स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में आ गया, ए का वैल्यू हो गया 7p, बी का वैल्यू हो गया 6। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी, यानी कि a का वैल्यू क्या है 7p प्लस 6, b का वैल्यू 6, फिर इंटू a माइनस बी, a का वैल्यू फिर 7p माइनस का माइनस, b का वैल्यू 6। ये इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उस एक्सप्रेशन को आपको देखना है, और यहां पर जो RHS में है, ठीक है, ये तो LHS है, ये RHS है, जो चीज RHS में है उससे आपको मैच करना है कि ये यहां पर कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, ये वाला यूज होगा या ये वाला या ये वाला, फिर जो भी यूज हो रहा है उसका आपको यहां पर जो आइडेंटिटी दिया हुआ है ये उसको फैक्टराइज करके आपको लिख देना है, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। इसका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस तब होगा जब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और मेथड है जिससे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, वो मेथड भी मैं आपको बताने वाला हूं, इसको पहले मैं रब कर लेता हूं। नेक्स्ट जो मेथड है फैक्टराइजेशन का, उसको हम लोग दो तरीके, दो नाम से जानते हैं, एक तो फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म, आप बोल सकते हो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, या फिर इसी चीज को हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो वर्ड है ये ज्यादा इजी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उस एक्सप्रेशन में मिडिल का जो टर्म रहेगा, सेंटर वाला टर्म, उसको हम लोगों को स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करके फिर उसका आंसर फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है, हम लोग कैसे करेंगे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपकी टेक्स्ट बुक से ले रहा हूं, एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे और इस फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर जो बीच वाला टर्म है इस टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे, पहला वाला और आखिरी वाला एज इट इज रहेगा और हमारा आंसर आएगा। यहां पर हम लोग कॉमन कॉमन फैक्टर वाला जो मेथड था उसको भी थोड़ा सा यूज करेंगे, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाला टर्म और पहला वाला टर्म इन दोनों के कोफिशियंट को आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो लास्ट वाला टर्म है 6 और यहां पहला टर्म एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशियंट नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशियंट 1 है, ठीक है। तो 6 इंटू 1 ये होता है 6। अब हम लोग को क्या करना है, जो बीच वाला टर्म है मिड टर्म, हम लोगों को ऐसे कोई भी दो नंबर चाहिए जिनको एड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5x आ जाए और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, कोई दो नंबर हम लोगों को ऐसा चाहिए, सिर्फ दो नंबर या दो टर्म आप बोल लो, इसको हम लोग को स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि दो टर्म होना चाहिए जिसको जिसको प्लस या माइनस करने पर 5x आ जाए और जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, क्योंकि 6 क्या हो रहा है, 6 इंटू 1 करने पर 6 आ रहा है, तो यहां पर 6 आ जाए। कैसे होगा देखो, अगर 6 इंटू 1 करने पर तो 6 आ रहा है, 6 प्लस 1 करने पर 7 आ जाता है, तो ये हमारा काम का नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 प्लस 3 कितना होता है 5 और 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो देखो अगर 2x प्लस 3x करेंगे तो यहाँ 5x आ जाएगा और 2 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन भी 6 होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5x को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 5x को स्प्लिट करेंगे, लिखेंगे 2x प्लस 3x, उसके बाद प्लस 6, लास्ट वालों को एज इट इज लिख देंगे, तो देखो यहां पर 2x प्लस 3x 5x हो गया और 2 इंटू 3 6 हो गया, ठीक है। ऐसे इसको स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के बाद यहां पर देखो क्या चीज कॉमन निकलेगा, इन दोनों को हम लोग रिग्रुप करेंगे और इन दोनों में से x को बाहर निकालना है, ठीक है, दोनों के पास x है, यहां क्या बच गया, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स बच गया, प्लस यहां का एक्स बाहर चले गया तो यहां बच गया 2, ठीक है। अब यहां पर देखो प्लस, यहां पर देखो 3 है और यहां 6 है, 6 क्या होता है 2 इंटू 3 6 होता है, तो यहां से 3 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, 3 को बाहर निकालेंगे, क्या बच गया, यहां बच गया एक्स, प्लस यहां से 3 बाहर जा चुका है और 6 क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 3 3 बाहर गया तो क्या बच गया 2, यहां आ गया 2। अब देखो ये एक टर्म बन गया, ये एक टर्म पिछले एक्सरसाइज में जो चीज अपन कर चुके हैं। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर भी x प्लस 2 है, यहां पर भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे बाहर, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 3, तो देखो इसी फॉर्म में आ गया x प्लस a के फॉर्म में और x प्लस b, ठीक है।
ये हो गया ए, ये हो गया बी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो इसी तरीके से जो मिडिल वाला टर्म है इसको आपको स्प्लिट करना है। और आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहां पर कोई आइडेंटिटी यूज होगा या फिर हम लोग को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड को यूज करना है, इसके लिए बहुत ईजी है। पहला वाला और लास्ट वाला दोनों टर्म को आप देख लो, अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर में है तो आपको आइडेंटिटीज यूज करना है, जो इसके पहले वाला मेथड आपको मैं बताया हूं। और अगर इनमें से कोई भी नंबर, कोई भी टर्म ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करना है। देखो यहां पर जो सिक्स था, एक्स स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, लेकिन जो सिक्स है, सिक्स कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहां पर हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को ये या मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी जितने सारे पॉइंट्स को मैं आपको बता चुका हूं, जितने सारे फॉर्मूला और मेथड्स को मैं बताया हूं, इन सारे मेथड्स को आपको ध्यान में रखना है, इन सारे फॉर्मूलाज को, सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।